भैया इसमें एक चीज ऐसे है कि जैसे कह रहे हैं कि चार्ट में हमको दिख जाता है जिस तरह से रहता है, तो एक होता है एक फीमेल का चार्ट होता है जैसे उसको कहते हैं कि शादी के बाद उसका गोत्र चेंज हो जाता है, उसके पितृस भी चेंज हो जाते हैं जो उसका पति का, तो एक फीमेल के चार्ट में हम किस तरह से देखेंगे कि ये पितृदोष किस तरह से उनको लागू पड़ता है, मतलब उनको रिमेडी अपने निहरवा की करनी है मतलब मायके की करनी है या फिर उनको अपने ससुराल के हिसाब से करनी है, अगर एक फीमेल के चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो कैसा रहेगा? देखो ऐसा है कि अपने यहाँ पर ही नहीं, ये बाकी पूरे धर्मों में भी यही चलन है कि फीमेल ही मेल के घर जाती है, राइट। स्त्री ही जाएगी शादी होकर, पुरुष बहुत एक दो कुछ कम्युनिटी होंगी वो भी छोटी छोटी आदिवासियों की या फिर कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसी कम्युनिटीज है जहां पर मेल आता है, अदरवाइज क्योंकि फीमेल जो है वो फ्लेक्सिबल है ना, फीमेल फ्लेक्सिबल है तो वो नए वातावरण में जल्दी ढल जाती है, पुरुष थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, पहली चीज तो ये है। अब इसीलिए उनका गोत्र बदलता है, उनका सरनेम भी बदल जाता है, और स्त्री देवी के रूप में वो है जो कि उस गोत्र को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस गोत्र को कौन आगे बढ़ाएगा? जो शादी होकर पत्नी आई है वही तो उस गोत्र को आगे बढ़ाएगा क्योंकि संतान उससे होगी, तो इसीलिए वो गोत्र उनका बदलता है क्योंकि पुरुष अकेला कुछ नहीं कर सकता, राइट। पुरुष कैन ओनली पुट अ सीड, बट जो नर्चर करने वाली सीड को है वो तो स्त्री है, माता है, इसलिए उनका गोत्र बदल जाता है और पितृ ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं, इसलिए उनका चार्ट में भी पितृदोष देखने का तरीका वही है। इसलिए हमारे यहाँ पर एक बार वो विदा हो गई तो हम क्या बोलते हैं, भाई तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा वही घर है, ससुराल ही तुम्हारा घर है, राइट, यही बोलते हैं ना। इसलिए आपने क्या शब्द यूज किया, मायका, जबकि शादी से पहले कोई बच्ची बोलती है क्या कि मैं अपने मायके में रहती हूँ? नहीं नहीं, शादी से पहले क्या बोलती है, मैं अपने घर में रहती हूँ। शादी के बाद वो मां का घर हो जाता है और ये घर उसका हो जाता है, तो जब घर ही उसका हो गया, क्योंकि घर तो स्त्री से ही बनता है ना, तो घर ही उसका, क्योंकि फोर्थ हाउस का कारक कौन है, चंद्रमा, चंद्रमा, तो चंद्र मतलब माँ से घर बनता है, तो घर उसका हो गया तो गोत्र भी उसका हो गया और पितृ भी उसके हो गए, तो बदलता नहीं है ये, उसको वेलकम किया जाता है उसके घर में, वो एक गोत्र मतलब उस गोत्र के लिए सम्मान की बात है कि कोई स्त्री उसके घर में आई है, क्योंकि उस स्त्री की वजह से वो गोत्र आगे बढ़ेगा,